हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइंस। दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूं मैं अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि बजीज को नेचुरल डाइट पे रखें, बजीज को खुश रखें, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड आएगी। उसी हवाले से ये आज वीडियो बनाई है ताकि आप सब लोग ये बात समझ सकें कि जो मैं कहता हूँ वही मैं भी करता हूँ और वही आपको भी सजेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो है इनको लूसन दिया है। आप ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये बस कितने खुश हो रहे हैं, जैसे कि इनकी ये ना लॉटरी निकल आई हो। आप देख सकते हैं जो भी बर्ड्स हैं सारे, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खुश हैं। जो पट्टे निकले हुए हैं आप देखें कि वो भी जो है इसको खा रहे हैं। और ये देखें, ये देखें आप, छोटे हैं बिल्कुल, लेकिन क्योंकि हरियाली सबको पसंद आती है इसी हवाले से। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करते हैं। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो काइंडली बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ नोटिफिकेशन में मिलती रहें। और दोस्तों, काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो दोस्तों, लूसन के जो है बहुत से फ़वाद हैं, जैसे कि इसमें आयरन होता है, ठीक है, और जो है इसमें बहुत से विटामिन पाए जाते हैं जो कि बजीज के लिए बहुत ही जो है मुफीद होते हैं। इससे क्या है, पहली सबसे जो अच्छी बात है इसकी, लूसन की या ग्रीन वेजिटेबल्स की, वो ये है कि बर्ड्स जो है ना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। इससे बर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है ना इसका, इनका बर्ड्स का साउंड ही बिल्कुल चेंज हुआ है। तो इससे सबसे जो अच्छी बात है, जिनके बर्ड्स खास करके स्ट्रेस में हों तो वो लूसन यूज़ करें। इंशाल्लाह बर्ड्स जो है ना बहुत ही रिलैक्स हो जाएंगे और बर्ड्स को इतना मज़ा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो इंशाल्लाह हफ्ते में जिनके खास करके बर्ड्स रिलैक्स नहीं हो यानी कि स्ट्रेस में हो, तो उन दोस्तों को खास करके मैं मशवरा दूंगा कि वो हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है वो जो है ग्रीन वेजिटेबल सलूशन, पालक, मेथी, ये चीज़ें यूज़ करें। साथ में ही अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक दिन एक चीज़ यूज़ करें, फिर एक दिन छोड़ के दूसरी चीज़ यूज़ करें, फिर एक दिन छोड़ के तीसरी चीज़ यूज़ करें। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि अभी मौसम चल रहा है कि कुछ दोस्तों ने कहा था कि अभी कौन सी यूज़ करें, तो उनको मैंने बताया भी था और आज फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि ग्रीन वेजिटेबल्स में आप जो है लूसन यूज़ कर सकते हैं। अभी इस मौसम में जो कि आप देख रहे हैं कि गर्मी आने वाली है, लूसन यूज़ कर सकते हैं, मेथी यूज़ कर सकते हैं, पालक यूज़ कर सकते हैं, और जो सलाद के पत्ते होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बर्ड्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। दूसरी बात, कैल्शियम जो इनको मिलता है वो तो इन तो वो इनसे जो अंडों वाले पेड़ होते हैं खास करके, उनको जो है रिलैक्स करने में, क्योंकि कैल्शियम की कमी जो है ना स्ट्रेस का सबसे बड़ा बायस बनती है। तो यही आप देख सकते हैं कि बच्चे भी जो है ना इसको, लूसन को या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होती है तो बहुत ही शौक से खाते हैं। बच्चों के लिए भी यूँ समझ लें कि बहुत ही, क्योंकि नरम गिज़ा होती है बच्चों को, और ये लूसन ग्रीन वेजिटेबल्स और जो पालक वगैरह है ये अट्रैक्ट करती है इनको जो है ना, क्योंकि ये ग्रीनिश होती है तो बर्ड्स जैसे ग्रीनिश चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो उसी हवाले से तो दोस्तों, लूसन अपने बर्ड्स को दें, लूसन दें, और जो है क्या कहते हैं इसे, लूसन दें, पालक दें, और जो है मेथी दें, और सलाद के पत्ते दें। ये चीज़ें यूज़ करें आप, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मुझे फीडबैक में बताएं। और एक दोस्त ने मुझे जो है वीडियो सेंड की है, उसके जो है माशाल्लाह से 2 बर्ड्स हैं और रूम में खुले हुए हैं, तो उन्हें मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि भाईजान, अगर आप बर्ड्स रखना चाहते हैं तो बर्ड्स का जो है सेटअप ठीक से बनाएं अपना। और जो है ऐसे नहीं होता कि बस एक परिंदे, 2 परिंदे ख़रीद लिए और ब्रीड डिस्टार्ट हो गई, और बस ऐसे नहीं होता। आप देख रहे हैं ये खर्चा जो है केजिस के लिए, और ये बर्ड्स पे जो है
ये शौक अगर करना है तो फिर उस पर थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस दो बर्ड्स खुले में रूम में छोड़ दिए और आपने जो है ना अपना फ़र्ज पूरा कर लिया, बर्ड्स जो है ब्रीड नहीं करें, ऐसा नहीं होता। मेरी वीडियोज़ फॉलो करें, दाने की वीडियोज़ हैं, मल्टीविटामिन की वीडियोज़ हैं, केज की वीडियोज़ हैं, कॉलोनी की वीडियोज़ हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी जो है कुछ बन पाएगा। बाकी ये नहीं कि आपने बस दो बर्ड्स खरीद लिए और बस सारा ही मसला हल हो गया, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ का जो है शेड्यूल होता है, जैसे मैंने सॉफ्ट फूड का बताया हुआ है आपको, सॉफ्ट फूड कौन से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, मैंने हर चीज़ बताई हुई है। तो आप देख रहे हैं मेरे बर्ड्स की प्रोग्रेस भी माशाल्लाह से, अभी काम भी चल रहा है उसके साथ साथ। स्टार्ट पे ले लें आप अच्छे बर्ड से, फिर जो उसके साथ साथ फिस्ट पे काम करें, वर्किंग बर्ड्स पे काम करें, रेड आई क्रिस्ट पे काम करें, रेनबो कलर्स पे काम करें, तो इंशाल्लाह शौक बढ़ेगा। बस ये नहीं कि बस जो है बर्ड खरीद लिए और छोड़ दिए तो बस ये शौक हो गया, ऐसे नहीं होता। थोड़ा तरीके से करें स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी। और जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, ताकि जो है और दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने पहले लूसन का जो है आपको नहीं दिखाया था लाइव, जैसे मैं देता हूँ और बर्ड्स का रिएक्शन वगैरह, तो मैंने सोचा कि आज आपको दिखा दूँ, तो आज मैंने आपको दिखाया। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपका कोई सेटअप का प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप पे मैसेज करें, ठीक है। उसमें वीडियो बना के प्रॉपर जो है अपने सेटअप की वीडियो बना के ठीक से वो मुझे सेंड करें, और उसमें बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा और आपको सही से सॉल्यूशन बता पाऊँगा। क्योंकि जब तक बर्ड्स नहीं देखे जाएंगे, सेटअप नहीं देखा जाएगा, तो सही तरह से उस तरह से फीडबैक मैं आपको नहीं दे सकता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।